बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान किसी न किसी वजह से हमेशा चर्चा में रहते हैं और इस वक्त शाहरुख खान को सोशल मीडिया ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने, शाहरुख खान जमकर ट्रोल हो रहे हैं। वजह क्या है इसके पीछे की, चलिए आपको बताते हैं। देर रात ईद की बधाई उन्होंने अपने फैंस को दी और सोशल मीडिया पर सुबह से ही नज़र गड़ाए फैंस का धैर्य जवाब दे गया। उन्होंने शाहरुख की जमकर खिल्ली उड़ाई। ट्वीट्स आप हमारी रिपोर्ट में देख रहे हैं, यूज़र शाहरुख को ट्रॉल करते हुए लिखते हैं, भाई कल कर देते, इतनी भी क्या जल्दी थी। आपको बता दें, 25 मई को किंग खान ने अपने परिवार के साथ ईद का त्यौहार मनाया। लॉकडाउन के चलते पूरा परिवार साथ है। ज़्यादातर समय शाहरुख अपनी फैमिली के साथ सेल्फ आइसोलेशन में बिता रहे हैं। हर साल ईद के मौके पर उनकी एक झलक पाने के लिए हजारों फैंस मन्नत के बाहर इकट्ठा हो जाते हैं। शाहरुख अपनी बालकनी में आते हैं, अपने बच्चों के साथ फैंस के मिलते हैं, उनको हाथ हिलाकर बधाई देते हैं। SRK को हर साल ईद के दौरान अपने प्रशंसकों से रूबरू होते हुए देखा जाता है। इस बार शाहरुख ने क्या किया, 26 मई 2020 को रात 12:10 पर अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया। ट्वीट देख रहे होंगे, वो लिखते हैं, अल्लाह का आशीर्वाद हमें इस कठिन समय में मिलता रहे, अंत में ये विश्वास ही है जो हमें चलाता रहता है। सभी को ईद मुबारक, वो हमेशा प्यार, शांति और समृद्धि की बारिश करता रहे। और लोगों ने किस तरह ट्रॉल किया लेट बधाई देने को लेकर, वो भी आप देख सकते हैं। लोग लिखते हैं, बहुत इंतज़ार कराया सर आपने, सबसे पहले और जल्दी बधाई देने के लिए धन्यवाद। एक फैन ने लिखा है, बड़ा जल्दी ये याद आ गया। लोग लिखते हैं, भाई कल कर देते, इतनी जल्दी क्या थी। आपको बता दें, शाहरुख के फैंस जो उन्हें ईद करने के लिए घर के बाहर इकट्ठे हो जाते थे हज़ारों की संख्या में, उन्हें ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा बुरी लगी है कि किंग खान ने उन्हें ईद बीत जाने के बाद इसकी शुभकामनाएं दी। वेल, ट्रॉल तो शाहरुख हो रहे हैं, अब इस ट्रॉलिंग पर क्या कहते हैं देखना होगा। नेक्स्ट 9 न्यूज़ से मेघा की रिपोर्ट।